We cannot talk about anything else but Firdous Jamal Saab. Aur kyun aap apna kaam itna mushkil kar rahe hain? Every time we have to speak about you. Aur phir hame lagta hai ki why are you doing this? Anyway, story bata dein agar aap logon ko nahi pata ki recently kya hua hai. Ji, senior adakar Firdous Jamal, everybody knows him. Unhone mashhoor kirdar Bholey ko bhi tanqeed ka nishana bana dala. Bhola, jo har kisi ko pata hai hum kiski baat kar rahe hain, drama serial Ranja Ranja Kardi mein Bholey ke kirdar ko bahut pasand kiya gaya tha aur har kisi ne Bholey ke kirdar se insaaf karne par Imran Ashraf, jinhone wo role play kiya, unki tareef ki thi. Imran Ashraf is on your screens. Magar Firdous Jamal sahab kehte hain ki Imran Ashraf ne jo Bholey ka kirdar kiya wo he wasn't very impressed with it. Abdullah, he wasn't, aur unhone kaha ki jo Bholey ka kirdar unhone ada kiya wo barjasta nahi tha, aisa lag raha tha ki Bhola banne ki adakari kar rahe hain. इमरान अशरफ ने भोले के किरदार में डूबकर खुद को भोले की तरह पेश नहीं किया. You know, I have a perfect job for Firdous Jamal Saab. He should open an acting academy, an acting school. But देखिए, we are not going to take anything away from you. Yes. माशाल्लाह आप एक जबरदस्त अदाकार रहे हैं, लेकिन भोले को आपने तनकीद, मतलब जो कि पूरा पाकिस्तान इस तरह लगना स्टार्ट हो गया. I'll be very honest, जब मैंने वो ड्रामा देखा तो मैंने उनको पहले नहीं देखा हुआ था, इमरान अशरफ की किसी एक्टिंग को. एंड देन आई वांटेड टू सी कि जो बंदा इतनी कन्विंसिंग एक्टिंग कर रहा है वो, मैं मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो असल में ऐसे नहीं है. मतलब इतने वो उसमें घुसे हुए थे और आप कह रहे हैं कि वो प्रिटेंशियस था. खैर, एनीवे, थोड़ा सा लोगों को याद दिला दें कि सीनियर अदाकार फिरदौस जमाल इससे पहले सुपरस्टार अदाकारा माहिरा खान को भी तनकीद का निशाना बना चुके हैं. और अदाकार फिरदौस जमाल ने कहा था कि माहिरा खान हीरोइन मटीरियल नहीं, और फिरदौस जमाल साहब ने तो अदाकारा माहिरा खान को फिल्मों में माँ का किरदार करने का मशवरा भी दे डाला था, जो कि वो अपने पहले हिट सीरियल से में भी माँ का किरदार ही था, विच इज़ नथिंग बैड एक्चुअली. वैसे माहिरा तो बहुत ही स्टनिंग है, पर्टिकुलरली अभी जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं उसके बाद तो बहुत ही ऑफ लग रही है बात. लेकिन इमरान अशरफ ने सोशल मीडिया पेज पर फिरदौस जमाल की तनकीद पर रद्द अमल में कहा कि वो फिरदौस जमाल बाकमाल अदाकार हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनकी राय और नज़रिए का एहतराम करते हैं. फिरदौस जमाल साहब हमारी इंडस्ट्री के बड़े हैं, और यकीनन अगर फिरदौस साहब भोले का किरदार अदा करते तो उनसे हज़ार गुना बेहतर करते. हम मानते हैं कि फिरदौस जमाल जैसा काम और तजर्बा अदाकार इमरान अशरफ के पास नहीं है, लेकिन फिरदौस जमाल जैसे लेजेंडरी अदाकार से ऐसी तनकीद अच्छी नहीं लगती. आई गेस अप्रिशिएट करना चाहिए, जहां ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी हो माशरे में वहां लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए. सीनियर्स को पर्टिकुलरली जूनियर्स को इनक्रेज करना चाहिए, और इसमें कहीं ना बहुत ही छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी. कहीं ना कहीं फिर लोग ये कहते हैं कि कहीं जेलेसी का आंसर तो नहीं है, मेरा ख्याल है आई एम श्योर नहीं होगा, और फिर फिरदौस जमाल साहब शायद कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही करना चाहते हो. तो आई गेस यू शुड ओपन अप एन एक्टिंग स्कूल. आई एम श्योर के बेस्ट सजेशन हम ऑनेस्टली मतलब बिल्कुल यही दे सकते हैं, बिकॉज यकीनन आपके आप पास बहुत ऐसी टिप्स हैं, और बहुत से टिप्स से तो ज्यादा ही होगा. तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, व्हिच डेफिनेटली यू शुड शेयर, बिकॉज़ यू आर एन एकेडमी योरसेल्फ. बिकॉज क्लियरली आपको और किसी का काम पसंद नहीं आ रहा, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं. कैन आई जस्ट क्विकली से समथिंग टू इमरान अशरफ, कि इमरान अशरफ ने जो जवाब दिया वो बहुत अच्छा था, वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी नाइस. लेकिन उनका ये कहना कि फिरदौस जमाल साहब अगर मेरा भोला का किरदार करते तो हज़ारों गुना बेहतर करते, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है. और नए अदाकारों से, नए आर्टिस्ट से मैं ये कहूँगी, रिस्पेक्ट तो रखें, लेकिन होल्ड योर ओन. यू डिड अ वेरी गुड जॉब, यू डिड योर बेस्ट. पूरे मुल्क ने, बाहर से दुनिया ने जिस चीज़ ने देखा, आपकी तारीफ की गई. You did the best it could be done. Don't give it to just anybody. के फिरदौस जमाल या वहीद मुराद. और अगर आपकी उम्र छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम अच्छे एक्टर हैं या आप कम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. एक्सपीरियंस यकीनन मैटर करता है, लेकिन आपने भी बहुत अच्छा काम किया, बिकॉज यू आर इमैक्यूरेटली टैलेंटेड. और बड़े अरसे बाद एक ऐसा किरदार आया था. अक्सर हमने देखा, वैसे तो इतना इन्फ्लक्स है ड्रामों का और टेलीविजन के, इतने चैनल्स पे इतने ड्रामे चलते हैं कि किसी भी एक ड्रामे पे भी बात नहीं हो पाती आजकल तो. लेकिन एक ड्रामे, क्या ड्रामे के बाद एक किरदार पे बात होना बड़ी बात थी, और ये आपकी कामयाबी है. और वैसे तो आपने भी उस किरदार पर बात कर दी ना, तो लिहाजा जस्ट गोइंग ऑन. और बाकी सारे जो न्यू एक्टर्स हैं जो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आपके साथ भी होने वाला है ये. आई डोंट थिंक के जमाल साहब अभी रुके हैं, तो जस्ट होल्ड योर ओन, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, टेक इट इन स्ट्राइड. जो आपको क्रिटिसिज्म मिलती है, लेकिन इतना भी उनको वापस देने की जरूरत नहीं है कि भाई आप तो बहुत ही अच्छा कर लेते, आप अच्छा कर सकते हैं, आप लोगों ने अच्छा किया है.